आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ साबूदाने के बड़े की रेसिपी। जैसे कि आप जानते हैं व्रत उपवास का सीजन आने वाला है। व्रत में खाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, खाने में भी टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। साथ ही ये देखिए बिल्कुल ऑयल फ्री है, कोई ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगता है ताकि हमें नुकसान ना हो। तो चलिए पहले इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का आनंद लेते रहें। साबूदाने के बड़े बनाने के लिए हमें साबूदाने लेना है। यहाँ पर ये गले हुए साबूदाने हैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी साबूदाने ले लीजिए, उन्हें आधा घंटे पानी में गला दीजिए, उसके बाद में उसका पानी हटा लीजिए। फिर साबूदाने को इसी तरह से रहने देंगे तो 2 घंटे बाद आप इस तरह के हो जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने का पाउडर लिया है। इसमें से आधे पाउडर को एकदम बिल्कुल बारीक कर लेंगे और आधा पाउडर थोड़ा दरदरा रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें मैंने डाल लिए 5 से 6 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इसमें हमको डालना है सिंघाड़े का आटा, इसमें फ्रेश सिंघाड़े का आटा यूज़ करेंगे। सिंघाड़े का आटा मैं चम्मच से नाप रही हूँ, बड़ा चम्मच जो होता है दाल का चम्मच, 2 चम्मच हम इसमें सिंघाड़े का आटा डाल लेंगे, ये देखिए। सिंघाड़े का आटा इसको क्या साबूदाने के जो बड़े बनते हैं उन्हें बांधने का काम करता है। अब इसमें हमें डालना है नमक। नमक हमारे स्वादानुसार सेंधा नमक डालेंगे जो कि व्रत में चलता है, व्रत उपवास में। अब इसमें हम डाल रहे हैं काली मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्ची डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, 7 से 8 आलू को उबाल के रख रखा है और इन्हें इसमें डाल देंगे। उबले हुए आलू इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एकदम सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी चीठे या चामटे नहीं होते। अब इसमें हम डाल लेंगे दही, ताजा दही लेंगे, ताजा दही 2 चम्मच डाल लेंगे हम इसमें। और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, लाल मिर्ची हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, आप चाहें तो लाल मिर्ची ना भी डालें तो चलेगा। अब इसे हम मेश कर लेंगे, अपने हाथों से ही गूंद लेंगे, इसमें पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें जो दही डाला है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और आलू की वजह से भी ये सॉफ्ट बनते हैं, पर जो दही होता है इससे इसमें एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस आ जाती है और एक हल्की सी खटास आती है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसे बिल्कुल आटे की तरह हमें अब गूंद लेना है, ऊपर से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, अगर पानी डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिकटे हो जाते हैं। ये देखिए अच्छे से हम इसे गूंथ लेंगे, ये दही और आलू की वजह से अच्छे से पूरा गूंथ जाता है, बिल्कुल आटे जैसा तैयार हो जाता है, कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए हम इस तरह से आलू मैश करते जाएंगे और इसे बिल्कुल एक आटे का रूप दे देंगे। देखिए अच्छे से इसे गूंथ रहे हैं, ये इस तरह से मैंने इसे पूरा मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल दें, इससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है। अब यह हमारा गूंद गया है आटा। अब इसको हमको क्या करना है, हमारे हाथों में हमें पानी लगाते जाना है और छोटी छोटी सी इसकी बॉल बना के तैयार कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो रहा है, हमें इन्हें तेल में डीप फ्राई करना है, इसलिए तेल जब तक गर्म होता है तब तक हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। हम पानी का हाथ करते जाएंगे, पानी में हाथ, ताकि ये हमारे हाथों पर चिपके नहीं। अब देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब जब तेल इसमें गर्म हो जाता है तो हमें इसमें इस तरह से डालना है। इसमें एकदम सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि तेल एकदम गर्म आँच का होना चाहिए, तेल में से जो धुआं निकलता रहता है उस तरह से तेल गर्म होना चाहिए। अगर तेल जो है वो कम गर्म होगा तो ये सब तेल पी लेते हैं, ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, ऑयल सक कर लेते हैं, इसलिए तेल एकदम गर्म कर लें। अब ये देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं साबूदाने के बड़े डालूंगी। ये देखिए इस तरह से हाथों से इन बॉल्स को चपटे करते जाना है आपको और इसमें डालते जाना है। पानी में हाथ करते रहिए, अपने हाथों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे तो ये आसानी से डल जाते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं है हाथों में। और ये इस तरह से एक बार में तेल में 4 से 5 साबूदाने के बड़े आप डाल दीजिए, देखिए। और आपको जैसे ही हम इस डालते हैं हमें इन्हें हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी चलाना नहीं है, बस इसमें डालते जाए और इन्हें इसी तरह से छोड़ दें। ये देखिए जब इसमें हल्का सा हमें ब्राउननेस दिखने लग जाती है, जब ये तलते हैं तो हल्की सी ब्राउननेस जब दिखने लग जाती है तब हम इन्हें टर्न कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। क्योंकि एकदम से अगर हम इन्हें डालते से हिलाते हैं या इसमें पलटते हैं तो ये टूट जाते हैं और ज़्यादा तेल पी लेते हैं, इसलिए एक एक करके फिर हम इन्हें पलटा देंगे। ये देखिए आप
बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से बनते हैं। बस एक थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत होती है, एक थोड़ा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत होती है। इतने क्रिस्पी और इतने सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल मुंह में घुलने वाले। कईयों की शिकायत होती है कि उनके साबूदाने के बड़े बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेते हैं या चिकटे बन जाते हैं, चामटे बन जाते हैं, खाने में दिक्कत आती है। पर ये वाले जो साबूदाने के बड़े अगर आप बनाते हैं तो आप खुद कहेंगे कि ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं कि खाने में भी मज़ा आ जाता है। देखिए ये इस तरह से पूरे जब ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे तेल से और इसे इसी तरह से रख देंगे। देखिए आप, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं आया है, ये साबूदाने के बड़े बन के तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और आपने देखा इन्हें बनाने में भी कोई मेहनत नहीं लगी और देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता इनमें। आपने देखी ये रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साबूदाने के बड़े कैसे बने। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।